इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अब मेरे प्रभु आगे चले, हर से चले मुनि वृंद मिथिला प्रवेश हुआ, जनक जी ने स्वागत किया, सुंदर सदन में वास दिलाया गया, भोजन विश्राम, संध्या वेला में राम लक्ष्मण प्रभु गुरुदेव भगवान द्वारा गाई गई पौराणिक कथा सुन रहे थे। इतने में लक्ष्मण जी महाराज कुछ भाव दर्शन कराए कि कथा तो सुनते रहते हैं, चौरा नगर भ्रमण कराए, फल फूल दल बिल पत्र कहाँ मिलेगा सब देखा में, संध्या हो जाएगी। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता यह। बीच में ही हाथ जोड़कर प्रभु कहते हैं, हे नाथ, लक्ष्मण जी नगर दर्शन करना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं फिरा लाऊं। गुरुदेव ने अनुमति दे दिया कहकर, धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख जाय देखिया वहु नगर। दिखाइए सबके नेत्रों को धन्यता प्रदान करिए। भगवान का दर्शन किस लिए होता है? नेत्रों की धन्यता के लिए। इसलिए जब दर्शन करे तो भगवान को एकटक दर्शन करना चाहिए। दर्शन करते समय मन को सहज रखना चाहिए, नयन भर कर दर्शन करना चाहिए। संसार को देखना बहुत है, देख ही रहे हैं। भगवान नेत्रों के माध्यम से हृदय में उतर जाएं, यही श्रेष्ठ वैष्णवता है, यही श्रेष्ठ शिव तत्व जानकारी है, यही शाक्त की परिभाषा है। अखिया में भर जाए, अखिया हरि दर्शन के, देखे चाहत कमल नयन को, निस्दिन रहत उदासी, अखिया हरि दर्शन।
आंख का उद्देश्य ही यही है, तो देख ले, निरखन बढ़े, प्रभु चले, सखा लोग साथ हो लिए, मित्र लोग जहां दर्शन भया, परिचय भया, गली गली द्वार द्वार अपने अपने घरों में ले जाते हैं, गलियों में दर्शन कराते हैं। कई मित्र यज्ञशाले ले गए जहां धनुष रखा गया था, फिर गलियों के अंदर दर्शन करते समय मेरी मां की अष्ट सखियां हैं, सबने अपने अपने भाव का वर्णन किया। बाबा कहते हैं प्रथम सखी ये कहती है, द्वितीय तृतीय चौथी ये पांचवी, कितना सुंदर भाव। यहां कौन सा पद है, सखियां मनाती है, कन्नी हे रे रघुनाथ हमारी बोलिया, कन्नी हे रे रघुनाथ ओ हमारी बोलिया, हमारी बोलिया, कन्नी
बरसहि सुमन सुमुख सुलो जाहि जहां जहां बंधु तहां तहां जाहि जहां जहां बंधु दो तहां तहां जहां जाइए आनंद बढ़ाइए। इतने पद गाएं बैठ जी भुला जाता है कौन सा पद कहां का है। होता ही रहता है। अभी और 300 नए पद निकाल रहा हूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो पाद सेवनम को हम लोगों ने पद सेवनम बना लिया है। भगवान कितने पद गा देंगे हम लोग, जो भी राम कथा गाएगा उसको हमारे पद गाने ही पड़ेंगे। भगवान निरापद है ना, वो तो पद है। हाँ भाई, पेमामृतम लेके सब गाते हैं पद। एक एक उत्सव के 10-10 पद हैं, ढूंढना नहीं है। आप भी लेके घर में गाते हैं, कई आरतियाँ उसमें समेटी है। फिर देखते हैं, नया संस्करण आने वाला है। श्री तुलसी जयंती महोत्सव पर लखनऊ श्री राम कथा है, उसी पर नए श्रद्धा प्रेमामृत को लॉन्च करेंगे। आपको नए और लगभग 40 नए पद उसमें प्राप्त होंगे। अच्छा है, कोई कैसे भी ढूंढना नहीं पड़ता। आजकल विद्यार्थी लोग ढूंढते नहीं, पढ़ते नहीं। कौनो बात जानना हो गूगल महाराज को लगाओ। अरे गूगल लोहबान न जलाओ, किताब लेके ग्रंथ पढ़ो। हैं, ग्रंथ महापुरुषों ने बनाए साहब। ये ऋषि ऋण से उऋण होने की यात्रा है। सदग्रंथों का पठन पाठन यह दायित्व है, पढ़ा जाए। श्री रामचरित मानस जी की जो इंसाइक्लोपीडिया है उसका नाम है मानस पीयूष। जितने महापुरुष हमारे 20 वर्ष पहले के जितने महापुरुष हुए, सभी महापुरुषों की एक एक पंक्तियों में टिप्पणी है। क्या ग्रंथ है साहब, अद्भुत है। आप लोग पढ़िए नहीं, लेकिन जो कथाकार हैं उनको तो पढ़ना ही चाहिए। सभी सामग्री एकत्र हो जाती है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।